स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड होती है कि हमें डिस्काउंट चाहिए, कम प्राइस में जो बुक्स है वो अवेलेबल चाहिए, तो आप डिस्काउंट प्रोवाइड कराते हो? करते ना सर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज मैं आया हूँ पुणे के ABC में, जहाँ पे आपको गाइस सारे टाइप्स के जो बुक्स है वो मिल जाएंगे। और ABC गाइस पुणे में माना जाता है बुक्स का हब, जहाँ पे आपको सेकंड हैंड एज वेल एज न्यू टाइप्स के जो बुक्स है वो इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं गाइस यहाँ के कुछ शॉप्स और देखते हैं कि किस टाइप के यहाँ पे आपको जो बुक्स है वो मिल सकते हैं। तो जैसे कि गाइस मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स हैं, तो इन शॉप में से गाइस कुछ शॉप्स के अंदर हम जाते हैं और ओनर से बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन से टाइप्स के जो बुक्स है वो अवेलेबल है। तो चलिए गाइस जाते हैं शॉप के अंदर। तो ये है गाइस नंदनी बुक डेपोस के ओनर। तो भैया आपका नाम क्या है? गणेश पवार। और भैया आपकी ये जो शॉप है ये कब से यहाँ पे? 14 ईयर्स से सर। 14 ईयर्स मतलब काफ़ी पुरानी शॉप है जी। काफ़ी पुराने और हमारे दो शॉप है, एक नंदिनी बुक्स करके है और एक अनिकेत बुक सेंटर करके हैं, दोनों भी 14 ईयर्स हो चुके हैं। और भैया आपकी ये जो शॉप है, मुझे तो काफ़ी सारी बुक्स यहाँ पे देखने को मिल रही है, तब भी आप बता दीजिए कि यहाँ पे कौन से टाइप्स की बुक्स अवेलेबल है? मेरे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके आपको सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, हर चार कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हर तरह की बुक्स है। मीन्स ऑलमोस्ट सभी टाइप्स की जो बुक्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है। और भैया अगर सपोज कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है तो क्या आप अवेलेबल करवा दे सकते हो स्टूडेंट्स? जी, अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट रही हमें तो विद इन 1 or 2 डेज में हम उसे अवेलेबल भी करके दे सकते हैं। और सेकेंड हैंड बुक्स भी यहाँ पे मिलती है या फिर न्यू बुक्स ही मिलती है? हमारे पास दोनों रहती है सर। मोस्टली हमारा शॉप सेकेंड हैंड के लिए फेमस है देखा जाए तो, क्योंकि स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा करके सेकेंड हैंड बुक्स के लिए रहती है। और बाई चांस अगर जो सिलेबस न्यू आता है एकेडमिक ईयर तो वो तो प्रोवाइड नहीं होता, लेकिन जो लास्ट ईयर का जो होता है शॉप, मतलब लास्ट ईयर के जो बुक्स रहते हैं एकेडमिक के, वो सेकेंड में अवेलेबल हो जाते हैं। और भैया स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड होती है कि हमें डिस्काउंट चाहिए, कम प्राइस में जो बुक्स है वो अवेलेबल चाहिए, तो आप डिस्काउंट प्रोवाइड कराते हो? करते ना सर। सेकेंड हैंड पे हमारे पास 40% के अराउंड डिस्काउंट है। और न्यू बुक्स पे अगर कंपनी ने हमें ऑफर दिया, क्योंकि हम बल्क में ऑर्डर खरीदते हैं कंपनी के पास से, अगर वहाँ से हमें कुछ ऑफर मिले एक्स्ट्रा डिस्काउंट में तो वो भी हम स्टूडेंट को प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि अगर आप कोई न्यू बुक्स यहाँ से आप बाय करते हो तो वो आप यहाँ पे रिटर्न भी कर सकते हो, सही है भैया? या रिटर्न, दो न्यू ओल्ड दोनों बुक्स आप रिटर्न भी कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हैं एट रीजनेबल प्राइस। उसका प्राइस कितना मिलता है जब हम रिटर्न करते हैं? रिटर्न में अगर आप जो समझो एक टोटल कॉस्टिंग आपका 1000 का आपने परचेज किया है तो रिटर्न में आपको 500 रुपीज़ रिफंड मिलता है। आप अगर आपको कैश चाहिए तो इन कैश मिलता है, या फिर अगर आपको बाद में कोई बुक्स लगेगा तो बुक्स के हम इसमें आपको 500 रुपीज़ डिडक्ट करके जो ऊपर का रिमेनिंग अमाउंट है उतने पे करना पड़ेगा आपको। ओके, तो ये काफ़ी बढ़िया मुझे लगा। और भैया आपकी जो शॉप है इसका जो टाइमिंग है वो क्या है और एड्रेस भी बता दीजिए? जो टाइमिंग हमारे से सुबह 8 बजे स्टार्ट होता है शॉप, जो रात को 10:30 बजे तक ओपन रहता है। और एड्रेस यहाँ पे ABC चौक में है, जोगेश्वरी मंदिर के बाजू में, सरस्वती बुक सेंटर के सामने। तो काफ़ी बढ़िया शॉप है गाइस, आप देख सकते हो साइड में काफ़ी सारे जो बुक्स है आपको देखने को मिल जाएंगे और ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के जो बुक्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं तो आपको कहूँगा कि यहाँ पे आप आ सकते हो और जो बुक्स है वो बाय कर सकते हो। तो अब हम आए गाइस नेक्स्ट शॉप पे और इस शॉप का नाम है बुक टेल्स बुक्स एंड स्टेशनरी। और इस शॉप में गाइस आपको बुक्स और जो स्टेशनरी का मटेरियल है वो ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए गाइस जाते हैं अंदर और देखते हैं ये जो शॉप है वो कैसी है। तो यहाँ पे फ्रंट में गाइस हमें काफ़ी सारे जो बुक्स है वो देखने को मिल जाती है। स्पेशली गाइस यहाँ पे आपको नॉवेल्स इजीली जो है वो मिल जाएंगे और काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे जो नॉवेल्स और जो स्टोरी बुक्स है वो अवेलेबल है। जैसा कि आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे बुक्स जो है वो रखे हुए हैं और काफ़ी बढ़िया तरीके से इनको अरेंज किया हुआ है ताकि ईजिली हमें कोई भी जो बुक है वो देखने को मिल जाए। और काफ़ी बड़ी शॉप है और यहाँ पे आपको बुक्स के अलावा भी बाकी सारा जो मटेरियल है वो भी मिल जाएगा, जैसे बैग, स्टेशनरी और भी काफ़ी सारी चीज़ें तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो वैरायटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स अगर आप इस शॉप पे आते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको और कोई शॉप में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक ही शॉप में सारी जो चीज़ है वो अवेलेबल हो जाएगी। बुक्स और स्टेशनरी मटेरियल के अलावा भी यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे गेम्स, मग्स, पेन होल्डर्स और भी काफ़ी सारे यूनिक आर्टिकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब जाते हैं इस शॉप के फर्स्ट फ्लोर पर और देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर हमें और कौन सी जो चीज़ है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हो फाइल्स, पाउचेस वगैरह यहाँ पे स्टेयर्स पे लगाए हुए हैं और ये है यहाँ का फर्स्ट फ्लोर। और देख सकते हो यहाँ पे भी कितनी सारी जो चीज़ है वो रखी है, मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें आपको लगेगी जो कॉलेज वर्क या फिर प्रोजेक्ट वगैरह में चाहिए होगी वो आपको सारी जो चीज़ है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फर्स्ट फ्लोर पे मेनली हमें यहाँ पे जो स्टेशनरी वर्क मटेरियल है वो देखने को मिल रहा है,
छोटे छोटे टेबल्स है, बोर्ड्स है, और यहाँ पे पूरा जो कैलकुलेटर, पेन्स, फाउंटेन पेन्स और भी काफ़ी सारी जो चीज़ है यहाँ पे अवेलेबल है। मीन्स अगर आप इस शॉप पे आते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको और कोई शॉप में जाना पड़ेगा, आपको यहीं से ही सारी जो चीज़ है, फाइल्स वगैरह जितना भी कुछ लेना है वो सब कुछ यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा। और जो शॉप है वो भी बहुत बढ़िया है और आप देख सकते हो कि कितना सारा जो सामान है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये था गाइस पुणे का एबीसी चौक जो कि माना जाता है बुक्स का हब, जहाँ पे आपको सारे टाइप्स के जो बुक्स है वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इस प्लेस का जो लोकेशन लिंक है गाइस वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप इजीली यहाँ पे आ पाओ। साथ ही में गाइस आपको स्टोर के जो नंबर्स है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ताकि आप कॉन्टैक्ट करके भी उन्हें पूछ सकते हो कि ये बुक अवेलेबल है या नहीं है। तो इस वीडियो में इतना गाइस, होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।